अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होममेड किचन फूड। आज हम बनाने जा रहे हैं दही बड़े। तो ये है उड़द की दाल जो हमने रात भर भिगाए थे और इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिए। ये 200 ग्राम दाल भिगाए थे, ये फूल के हो गई है पाव किलो। और ये पैकेट वाली दही है, दही जाएगी इसमें 600 से 650 ग्राम। 100 ग्राम शक्कर है, हाफ हाफ टीस्पून नमक है और ये थोड़ा सा कोथमीर है। और ये दाल में जाएगा खाने का सोडा, हाँ वो चुटकी भर। और ये हमारे होममेड मसाले हैं जो कि चाट मस में दही बड़े में जाएंगे, कोई भी चाट में यूज कर सकते। और ये हमारी घर की बनी हुई चटनी है। तो ये हमारे दही बड़े के लिए हम लोग ने दही बनाने के लिए जा रहे हैं, ये हमने ले लिए है 650 ग्राम दही। अभी इसमें हम डालेंगे ये शक्कर डालेंगे, 100 ग्राम है ये। और इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक। अभी इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और इसमें कम से कम एक कटोरी पानी जाएगा, मतलब के 100 ग्राम के लगभग पानी जाएगा। तो ये दही हमारी बनके रेडी हो गई है। इसकी थिकनेस दिखा देते हैं, और हमने बराबर इसमें 100 ग्राम पानी ही डाले। अब इसको बना के हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए थोड़ा। और ये हमारी दाल जो हमने दिखाए थे आपको, अभी इसको हम पीस लेंगे, अच्छा बारीक वाला स्मूथली पीसना है इसको। अब ये मिक्सर में डाल देते हैं, पानी इसमें जो थोड़ा था बस उसमें ये दाल पीस जाएगी। अगर इसमें पानी जाएगा तो हम बता देंगे आपको। तो ये दाल हमने पीस लिए है, इसकी स्मूथ बना लिए। ये दाल देखो ऐसा रखने का है, चम्मच से भी बहुत लेट गिरनी चाहिए ये, इसकी थिकनेस ऐसी रखने का। अब इसका बनाने का तरीका भी हम दिखाएंगे कैसा बनाएंगे। अब ये निकाल लेते हैं इसके अंदर दाल, हम लोग को थिकनेस इसी ही चाहिए। अगर आप पतला कर देंगे तो दही बड़े के बड़े बराबर नहीं बनेंगे। तो ये नमक हमने जो हाफ टी स्पून बताए थे आपको, ये नमक डाल रहे हैं इसके अंदर। और ये एक चुटकी खाने का सोडा। अभी इसको हम मिला लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे, फिर इसको तल के दिखाते हैं। तो ये तेल हमारा गरम हो गया है। तेल गरम करने के बाद हमने गैस को मीडियम टू लो हीट पे रख दिए। अब ये लिए हमने एक कटोरी, कटोरी के अंदर लिए है पानी, पानी के अंदर ये चम्मच को ऐसा डीप करेंगे। और बस आप लोग भी ध्यान रखेंगे आटे को ज़्यादा पतला नहीं करना है, पतला करेंगे तो सही नहीं बनेंगे। अभी इसको धीरे धीरे इसमें डाल देना है। ये ऐसा बनेंगे जैसे कि हमने पूड़ियाँ बना रहे हैं, पूड़ी वगैरह बनाते ना उस तरीके से बनेंगे। ऐसे ही हमको सारे डाल लेने हैं, फिर हम इसको आपको एक साइड का पलट के दिखाते हैं। तो देखिए ऐसा डालने का, अभी आप देख सकते हैं ये मैंने पहले डाली थी, देखो ये कैसे गोल हो गए, अपने आप गोल हो जाते। कोई भी शेप में जाएंगे अंदर वो अपने आप गोल हो जाएंगे। बस थोड़ा सा केयरफुल होके डालें, तेल उड़े नहीं आग पे। तो ये जो हमने डाले थे पहले, अभी हम इसको पलट के दिखा रहे हैं। ये एक साइड का, दोनों साइड का पकने के लिए कम से कम नहीं तो 6 से 7 मिनट लगते हैं। और मीडियम टू लो हीट पे ही बनाएं, क्योंकि अंदर से अगर फास्ट गैस पे बनाएंगे तो ये कच्चे रह जाएंगे, और अंदर जब हम दही बड़े बनाएंगे तो अंदर से गांठे निकलेगी। तो अभी हम ये दोबारा से पलट रहे, एक बार हमने पलट के दिखाए थे आप लोगों को, अभी हम ये दोबारा से पलट रहे। इसको ऐसा ही 3 से 4 मरतबा पलट पलट के बनाने का है, थोड़ा सा टाइम लगता है बस। तो ये बड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, कलर देख सकते हैं। ये ऐसा ही कलर रखना है, एकदम भी डार्क कलर नहीं करना है, हल्का सा ब्राउन लाइट कलर। अभी हम इसको बाहर निकाल लेते हैं जो जो हो गए। तो हमने ये थोड़ा पानी लिए है, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही है। अभी हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी नमक, नमक के साथ में इसको ऐसा मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसमें दही बड़े डालेंगे जो हमने बनाए थे, फ्राई करके निकाले हमने। जब तक हम इसको आप लोग को दिखा देते हैं पानी में डालने का तरीका, जब तक हमारा दूसरा बैच भी रेडी हो जाएगा। अभी इसको ऐसा पानी में डालने का है, ये सारे डाल देने के। इसी तरीके से सारे दही बड़ों को थोड़ा सा ठंडा कर लें। अभी इसको थोड़ा सा डिप करेंगे, 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको भिगा के रखते हैं। तो पानी में डालने का मतलब ये है कि ये दही बड़े थोड़े सॉफ्ट भी हो जाएंगे, और ये हो भी गए हैं। और इसका एक तरीका ये भी है कि जो हमने दही बनाए, दही थोड़ी कम लेगा ये चूसने के लिए, अब्जॉर्ब कम करेगा, तो
तो बस थोड़ा सा भिगा ले 1 से 1.5 मिनट के लिए, फिर निकाल ले इसको ऐसा दबा दबा के बाहर। तो अभी हम निकाल के बता रहे हैं, ये देखिए ऐसा दबा लिए हमने। ये ज़्यादा करके स्ट्रीट फूड वाले बनाते हैं इस तरीके से। तो हमने ये बॉल ले लिए हैं दही बड़े को सर्विंग करने के लिए। अभी सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ी नीचे दही डालेंगे, फिर दही थोड़ी नीचे डालने के बाद दही बड़े डालेंगे। अभी इसके अंदर ये जो दही बड़े बना है ऐसा डेकोरेट कर लेंगे इसको। एक एक लेयर जैसे जैसे जाएगी इसमें वैसे ही हमको दही डालते जाने का है इस तरीके से। अभी इसमें कितने दही बड़े आएंगे उतने हम डाल लेंगे। लगभग इसमें ये एक बैच जो हमने बनाए थे ये पूरा आ गया है इसके अंदर। अभी इसमें हम अच्छे से दही डालेंगे। अच्छी दही डालने का है तो ही इसको खाने में मजा आएगा, और दही ज़्यादा पतली नहीं करें। अभी इसमें हम ये जो हमने चटनी बनाए थे बताए थे ये वो डाल रहे हैं चटनी। चटनी को भी ऐसा डालने का है अच्छे से। फिर से हमको दही डालने की है इसके अंदर। चटनी भी अच्छी लगेगी इसके अंदर डालने के लिए, अच्छी खासी क्वांटिटी में चटनी जाएगी। और ये भी वही चटनी है, थोड़ी इसमें कम थी तो ये वही चटनी है, सेम चटनी है दोनों कटोरी की। अभी ये वापस से हम इसको ऐसा करेंगे चटनी को, मीठी चटनी है ये। ये इसका हो गया है। अभी ये जो मसाला हमने दिखाए थे अभी ये मसाले को हम इसमें ऐसा स्प्रिंकल करेंगे, ऐसा डालने का है। इसमें मसाले की आप जैसे जैसे बनाएंगे जो भी कटोरी में बनाएंगे आप आपके हिसाब से 2 से 1 चुटकी डाल सकते हैं। ये थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा है तो ये कम से कम 1 टेबल स्पून से ज़्यादा ही गया है। अभी इसके ऊपर फिर से थोड़ी सी दही डालेंगे ऐसा डालने का है। अभी इसके ऊपर फिर से थोड़ी सी मीठी चटनी, बस अभी ये डाल देंगे इसके ऊपर थोड़ा सा कोथमीर कटा हुआ डेकोरेशन के लिए। हमारे दही बड़े बनके रेडी हो चुके हैं। तो ये दही बड़े हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। आप लोगों को इसी तरीके की चाट खानी हो तो मुझे कमेंट करें, और जो मैंने मसाला बनाई हूँ उसके लिए भी मुझे कमेंट करें। जानना चाहते हैं किस तरीके से बनाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको हमारी ये रेसिपी दही बड़े की अच्छी लगी हो तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।